हराम खोर, 12 बज गए अभी तक सोया पड़ा है। सुबह सुबह सोने भी नहीं देते, क्या मसला है तुम्हें? कोई काम काज करते नहीं, सारा दिन सोने वाला काम है। ठीक है, मैं जा रहा हूँ घर से, आज के बाद मैं वापस नहीं आऊँगा। जलील कर रखा है तुमने मुझे। दफा हो जाओ गंदी औलाद, मजा ना सवाद। ये क्या हाल बना रखा है और इतना गुस्सा क्यों? बस यार क्या बताऊँ तुम्हें, अब्बे ने मेरा दिमाग खराब कर रखा है। फिर क्या हुआ? अब्बा कहते कोई काम कर और तुझे बता मुझे कोई नौकरी नहीं मिल रही मेरे मियार की। तो फिर अब मैं तेरे पास आ गया रोला करके। मुझे खुद घर कुछ मिलता नहीं, ना रोटी ना पानी, इज्जत भी नहीं है, ये मेरे गले पड़ गया। चलो इसका कोई टोटल करता हूँ, तेरी सुलह करवाता हूँ। नहीं मैं सुलह नहीं करता। अच्छा एक और मशवरा देता हूँ। दे। बस तूने एक्टिंग करनी है, चल मेरे साथ। अंकल जी आपके बेटे पर जनेत आ गए, अभी पुलिस वालों को ऐसे ऐसे घुमा रहा था और इसके मुंह से झाग निकल रही थी। अपने बेटे का खुद ख्याल रखो, कहीं नुकसान न कर दे। जिनेश, मुझे तो खुद जिनेश से डर लगता है। अंकल जी जो ये कहे इसकी बात मानना, ठीक है ना? कुछ करता हूँ मैं इसको। मुझे भूख लगी है, खाने के लिए कुछ ले आओ। इसको भूख नहीं लगी, जो इसके अंदर जिन है उसको भूख लगी है। अंकल इसको कुछ खिलाओ नहीं तो हमें मार देगा। मैं कुछ ले कहता हूँ अभी। काम बन गया, पेट भर के खाएंगे। आओ। अंकल मैं भी खाऊं साथ। अभी तक मेरा पेट नहीं भरा, जाओ बकरे का इंतजाम करो, भुना हुआ बकरा लेके आओ, जाओ। कुछ करता हूँ, इधर आओ। इसका कोई बंदोबस्त करना पड़ेगा, मेरा एक जानने वाला बाबा है, वो जिन निकालता है, मैं उसी को बुला के लाता हूँ। क्या हो गया? अंकल किसी जिन निकालने वाले बाबा को बुला रहे, उसके सामने तूने यही जिनों वाली एक्टिंग जारी रखनी है, कुछ भी नहीं बोलना उसके सामने। ठीक है। बैठो बाबा, मैं भी मरीज को बुला के लाता हूँ। ठीक है ठीक है। बिठाओ इसको। ओए अपनी एक्टिंग पक्की रखना। अब क्या होगा बाबा? अभी दम हो गए बहुत, अभी यकदम करेंगे। एक्टिंग के पाछा लग रहे हो। लंबा पाओ इसको। ओ एक्टिंग ना छोड़ना नहीं तो दोनों को लगेंगे। मेरी तशरीफ ला लोगी, तू कितना एक्टिंग ना छोड़ी। अब्बा मेरे अंदर कोई जिन जिन नहीं है, ये सारा ड्रामा मुझे इसने करवाया है। अच्छा लंबा पाओ इसको, इसके भी जिन निकालो। आ, आ,